अगर आप काफी दिनों से कोई नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे थे तो ये सबसे अच्छा टाइम है आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सिली ओपिनियंस। इंडिया में लोगों को OnePlus के नए स्मार्टफोन्स का हमेशा से इंतजार रहता है। इसी साल मई में OnePlus ने अपना OnePlus 7 लॉन्च किया था। उन्होंने अपना OnePlus 7 Pro का जो मॉडल था उसको 49,000 से स्टार्ट किया था, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है। लोग OnePlus को ऐसा स्मार्टफोन मानते हैं जो अपने बजट कैटेगरी में सबसे अच्छे स्पेक्स हमें देता है, और 49,000 से 53,000 की प्राइस रेंज एटलीस्ट इंडियन कंज्यूमर के लिए काफ़ी हाई थी। तो OnePlus ने क्या किया, उन्होंने उसका स्मॉलर वेरियंट लॉन्च किया और OnePlus 6T से भी उसको सस्ता रखा। 6T पिछले साल 38,000 में आया था और OnePlus 7 उन्होंने रखा 33,000 का। OnePlus 7 Pro में जो मेजर इंप्रूवमेंट थी, जैसे कि आपकी 4K डिस्प्ले और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, साथ में 3 कैमरास, उन्होंने OnePlus 7 में वो सब हटा दिया। बेसिकली वो 60 ही था एक तरीके से, जिसमें उन्होंने स्टीरियो स्पीकर्स दिए थे, साथ में नए स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर दिया था, स्नैपड्रैगन 855, और वाटर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड की थी अपने नए फ़ोन में। हालांकि उन्होंने कोई IP67 या 68 रेटिंग नहीं दी थी, तो अपेरेंटली लोअर इट्स कॉस्ट। अब उसी OnePlus 7 और 7 Pro का नया वेरियंट 70 आया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई 70 Pro भी होगा, बट ऐसा नहीं है। 70 के लिंक्स हमें पहले ही देखने को मिल गए थे, जैसा कि सेम वैसा ही रिलीज हुआ। उन्होंने एक सर्कुलर कटआउट रखा है कैमरे के लिए, जो कि पर्सनली मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। बेसिकली OnePlus ने अपने 7 Pro के सारे फीचर 70 में डाल दिए, एक्सेप्ट दैट 2K डिस्प्ले एंड दैट फुल व्यू डिस्प्ले विद पॉपअप कैमरा। सेम उन्होंने नॉच रखा है, वाटर ड्रॉप नॉच, बट इस बार नॉच की साइज काफ़ी कम की है। बेजल भी उन्होंने काफ़ी पतले किए हैं ताकि उनका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बढ़ जाए, और उन्होंने कैमरा भी वही ट्रिपल कैमरा इंप्लीमेंट किया है। अब इसमें एक माइक्रो मोड भी है, जो कि कुछ इंटरेस्टिंग है। कैमरे का अपर्चर हालांकि उन्होंने 1.7 से 1.6 किया है बढ़ाकर। सेम 48 मेगापिक्सल सोनी का IMX586 सेंसर है, और मेरे हिसाब से OnePlus उस सेंसर को सबसे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करता है, और अपने हर अपडेट के साथ सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के थ्रू उसको इम्प्रूव करता जाता है। 70 में इम्प्रूव प्रोसेसर भी है, सेम स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर है, बट उसका ओवरक्लॉक वर्जन है स्नैपड्रैगन 855 प्लस, जो कि बेंचमार्क में तो आपको बड़े हुए स्कोर्स देगा, बट मेरे हिसाब से रियल लाइफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। और 2K डिस्प्ले और फुल HD डिस्प्ले अगर आप साइड बाय साइड रखते हैं तो आपको डिफरेंस पता चले, नहीं तो उसमें भी आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो 7 Pro था उसके सारे फीचर्स उन्होंने 70 में दे दिए, और कोई 70 Pro लॉन्च नहीं किया। हाँ, फुल व्यू डिस्प्ले तो नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से वो आपके लिए अच्छा चॉइस है, अगर आप सोच रहे थे इस बीच 30,000 से 50,000 के बीच कोई फ़ोन रखने खरीदने को। हाँ, OnePlus अगर उसको 35,000 में लॉन्च करता तो ज़्यादा अच्छा होता। उन्होंने 38,000 में लॉन्च किया है 8GB और 128GB वेरिएंट, बट खरीदने के पहले एक मिनट रुक जाइए। जो ओरिजिनल OnePlus 7 था उसकी प्राइस जो 33,000 में लॉन्च हुआ था 8GB और 128GB वेरिएंट, उसको अब आप फ्लिपकार्ट की आने वाली बिग बिलियन सेल में 30,000 में ले पाएंगे, और इस प्राइस में वो बेस्ट फ़ोन होगा। अब यह आपको डिसाइड करना है कि थोड़ा हायर रिफ्रेश रेट और एक ओवरक्लॉक प्रोसेसर 8,000 एक्स्ट्रा वर्थ है कि नहीं। मेरे सिली ओपिनियंस में तो वर्थ नहीं है, बट अगर आप 30 से 40,000 के बीच कोई फ़ोन लेने ही जा रहे हैं तो एक मिनट और रुक जाइए। इसी वीक Asus ने अपना एक फ़ोन लॉन्च किया है, Asus Rog Phone 2, जिसने अपने प्राइस से धमाका मचा दिया है। लास्ट ईयर इसका पिछला वर्जन जो Asus Rog Phone 1 था, वो Asus ने 70,000 में लॉन्च किया था, जिसकी प्राइसिंग काफ़ी हाई थी ऑब्वियसली, तो ज़्यादा लोगों ने लिया नहीं, बट फिर भी वो गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन था और उस मामले में वो बेस्ट था। वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता था और उसके साथ काफ़ी एक्सेसरीज और कॉम्बोज आप लगा सकते थे। और इस ईयर भी Asus Rog Phone 2 पहला स्मार्टफोन है जिसने स्नैपड्रैगन का 855 प्लस वर्जन यूज़ किया है, और उसका 12GB और 256GB वेरिएंट का जब स्कोर आया था अंतु बेंचमार्क में, तो वो हाल ही के सभी लॉन्च हुए एंड्रॉयड फोन्स में सबसे ज़्यादा था। हालांकि Asus ने इस बार बोला कि हम उसका एक लो एंड वेरिएंट, जो कि 8GB रैम और 128GB का है, उसको इंडिया में लॉन्च करेंगे, और उन्होंने बताया कि उसके साथ हम कोई कॉम्बो नहीं देंगे, जैसे कि पिछले साल उन्होंने एक एरो एक्टिव कूलर दिया था। तो लोग और उन्होंने ये भी बोला कि हम साथ में 10 वॉट का क्विक चार्ज फोर सपोर्ट करने वाला चार्जर देंगे। तो फिर सबने ये अज्यूम किया कि इस बार Asus थोड़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखेगा, 45 से 50,000 मैं भी अज्यूम कर रहा था, बट Asus Rog Phone 2 लॉन्च हुआ है 37,000 में। जी हाँ, 37,000 में, और इस प्राइस में वो OnePlus को बहुत कड़ी टक्कर देने वाला है। OnePlus की तरह ही इसमें सुपर एमोलेड स्क्रीन है, जो कि HDR10 प्लस सपोर्ट करती है, और OnePlus की तरह ही इसमें स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर है, बट बाकी सभी मामलों में मुझे ये OnePlus से ज़्यादा अच्छा लगता है।
इसका लुक कुछ लोगों को भड़कीला लगेगा जो मिनिमलिस्टिक लुक पसंद करते हैं, क्योंकि ये गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है ऑफ कोर्स, बट पीछे आरजीबी लाइटिंग मुझे बहुत कूल लगती है। इसमें कूलिंग के लिए पीछे एयर वेंट दिया हुआ है। इसके जो चेसी है उसमें प्रेशर सेंसिटिव के सेंसर्स हैं और उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स है जिसे रोग फोन एयर ट्रिगर्स बोलता है। अगर OnePlus 7T में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है तो ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इसमें डॉल्बी एटमॉस एक्स का स्टीरियो स्पीकर्स है, इसमें इनहेंस्ड वाइब्रेशन मोटर्स है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम गेमिंग के लिए रीडिफाइंड है। इसमें आप जब एक्स मोड ऑन करेंगे तो आपका फोन ओवरक्लॉक हो जाएगा और आपको बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें इतने कस्टमाइजेशन फीचर हैं जैसे कि आप अपने सीपीयू के सिंगल सिंगल कोर को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। साथ ही इसमें 6000 mAh की मार्केट लीडिंग बैटरी है। तो ओवरऑल ये एक कम्प्लीट पैकेज है जो कि ना सिर्फ गेमर्स को बल्कि नॉर्मल यूजर्स को भी काफ़ी पसंद आएगा, और 38000 में आप इससे ज़्यादा अच्छा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि इसका 512 GB और स्टोरेज और 12 GB रैम वाला वेरिएंट 60000 का आता है, और उसके साथ आपको सारी एक्सेसरी भी मिलती है जैसे कि एरो एक्टिव कूलर और एरो एक्टिव केस। साथ ही में आपको 30W का चार्जर बॉक्स में ही मिलेगा। इसके साथ आप मोबाइल डेस्कटॉप स्टेशन और ट्विन व्यू डॉक जैसे काफ़ी एक्सेसरी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेस वेरिएंट के साथ 30W का चार्जर यूज़ करना है तो वो भी मात्र 2000 के एडिशनल प्राइस के साथ उपलब्ध है। बट अगर आपका बजट 30000 से भी कम है तो इस बार की फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल में आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑफर्स हैं। इसी साल लॉन्च हुआ रेडमी K20 Pro जो कि OnePlus 7 को 29000 में कड़ी टक्कर देता था, इस बार आपको 25000 का पड़ेगा। उसी का छोटा वेरिएंट रेडमी K20 जिसमें लगभग सिमिलर स्पेक्स थी, बस स्नैपड्रैगन 855 की जगह 730G प्रोसेसर था, वो भी गेमिंग ओरिएंटेड है, वो आपको 20000 में पड़ेगा। वो 23000 में लॉन्च हुआ था और इसकी वजह से उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा था। अगर आपका बजट 20000 से कम है तो अभी जस्ट हाल ही में लॉन्च हुआ रियलमी का रियलमी XT काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी। उसके दो वेरिएंट थे 16 और 17000 के, हालांकि उसमें कुछ डिस्काउंट तो नहीं है, बट कार्ड ऑफर्स के थ्रू उसमें आप 1000 का डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आपका बजट 15000 से कम है तो आपको रेडमी का नोट 7 जो कि अप्रैल में लॉन्च हुआ था 14000 का 12000 में पड़ेगा। रियलमी का रियलमी 5 प्रो भी है जो कि 14000 में लॉन्च हुआ था जस्ट लास्ट मंथ, अभी आपको 13000 में पड़ेगा। और एक स्टील डील है, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ पोको का F1 जो कि 21000 में किलर फोन था, इस साल उसकी प्राइस 18000 हो गई थी और इस बार सेल में आपको वो 15000 में पड़ेगा, एग्जैक्टली 15000 में पोको F1। बट अगर आपका बजट 10000 या उससे कम है तो आपको रियलमी 5 या रेडमी नोट 7S दोनों 9000 के आसपास मिल जाएंगे। हैप्पी शॉपिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।